इज मिस्टेक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो और ये है आपकी नोवंबर पिकअ नवंबर लव एंड वर्क फोर कास्ट फ्रेंड्स नोवर पिकअ कार्ड रीडिंग मैं ऑलरेडी एक कर चुकी हूँ अपनी मेन चैनल मैजिक वेंस टेरो पे वहाँ पे देख लो आप ये लव और वर्क फोर कास्ट है फ्रेंड्स आपके uh, साइन वर्गोस के लिए फ्रेंड्स जी हाँ मैंने जल्दी कर दिया बिकॉज मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई है तो मैंने जल्दी कर दिया है फ्रेंड्स ताकि आई नो आप लोग काफ़ी परेशान हो वॉट विल हैपन इन नोवर सो मैजिक वेंस टेरो हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो शेयर कर दो बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि आपका अभी कोई रीडिंग मिस ना करो फ्रेंड्स पहले जल्दी रीडिंग कर रही हूँ तो सब्सक्राइब तो कर दो लाइक like, शेयर भी कर दो वी नीड योर सपोर्ट फ्रेंड्स टाइम्स आर गेटिंग टफ सो ज़रूर सपोर्ट करो फ्रेंड्स एंड थैंक यू अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस फ्रेंड्स ज्वाइन कर लो इंस्टाग्राम पे एज मैजिक वेंस टेरो पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट कर लो uh, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मैजिक वेंस टेरो डॉट कॉम एंड ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स हो सकता है रेजोनेट करे हो सकता है ना करे सो so, आप देख लो और सनसाइन मूनसाइन रिंग साइन जो भी है उस हिसाब से आप देख लो अपना और uh, अगर आप किसी वर्गो को जानते हो क्रॉस वर्च कर लो उनके लिए लेट्स सी वॉट इज़ द थीम फॉर यू वर्गोज़ फॉर नोवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थीम ऑफ द मंथ ऑफ नवम्बर फॉर वर्गोज़ ट्वेंटी ट्वेंटी देखिए क्या आया है पेज ऑफ स्वर्स एक्वेरियस लीब्रा जेमिना ऑल्सो इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट ओ माई गॉड लुक एट दैट ओह माई गॉड वर्गोज़ प्यार मोहब्बत इश्क बात है यूनियंस बिजनेस अलाइंस क्या चक्कर है वर्गोज़ मुबारक आपके लिए शायद इसीलिए मैंने जल्दी मुझे आ, मैं कभी इतनी जल्दी नहीं करती हूँ मैं एक आ, रीडिंग पिकर कार्ड बहुत जल्दी पोस्ट करती हूँ जिसके लिए मैं बहुत सुनती हूँ कि आप इतनी जल्दी क्यों कर देते हो फ़्रेंड्स ये तो मेरा काम ही है जल्दी पोस्ट करना फ्यूचर के बारे में मैं नहीं बताऊँगी तो आपको कौन बताएगा यही तो काम होता है हम लोगों का कि आपको फ्यूचर के लिए रेडी रखे सो so, येस yes, और ये मैंने जल्दी किया क्योंकि ये तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई है <laughs> तो इंस्टा पे भी आप लोगों ने मुझे बोला है कि कर दो कर दो तो मैंने कर दिया है सो कंग्रेट्स टू ऑफ कप्स आया बर्गोज सो हैप्पी फॉर यू लेट्स सी थीम ऑफ द मंथ फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स सिक्स ऑफ कप्स एंड ऑफ स्वाज सो काफ़ी ज़्यादा जो है फिलहाल आपकी लाइफ बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो रही है फ्रेंड्स वर्गोस आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं मुझे चीज़ें रुकी हुई हैं चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं आई ऑल्सो फील आपको कोई यू नो धोखे वगैरह मिले हैं जिनसे आप परेशान हैं आई थिंक यू फील स्टक मुझे लग रहा है वर्गोज़ आप स्टक फील कर रहे हैं राइट नो और इन सब चीज़ों से जो है आप निकल पाएंगे या आपकी रिलेशनशिप स्टक है किसी यू नो 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 कांटेक्ट में या पास्ट इश्यूज़ में फंसी हुई आपकी सिचुएशन है लव लाइफ या आपकी वर्क सिचुएशन में बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं या कुछ नहीं हो रहा है बिल्कुल एकदम जो भी सिचुएशन आपकी ख़राब चल रही है और अभी रुकी हुई है फ्रेंड्स उसमें आपको हेल्प मिलेगी सपोर्ट मिलेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर यस टू ऑफ कप्स आपके लिए है मंथ ऑफ नवंबर जो है आपके लिए लव का रहेगा पार्टनरशिप्स का रहेगा कोलाब्रेशन का रहेगा बिजनेस अलाइंसिस टीम वर्क का है एंड यस अ स्पिरिचुअल यूनियन येस फ्रेंड्स आपके सोलमेट आपकी सोल ट्राइब आपकी सोल फैमिली आपसे मिलेगी कनेक्ट करेगी और आपको जिस इंफॉर्मेशन या रिजल्ट्स का वेट है या न्यूज़ का वेट है वो भी आपको मिलेगी आई फील एक्वेरियस लीब्रा जेमेनाई पर्सन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर तो uh, हो सकते हैं कोई एक्वेरियस लीब्रा जेमेनाय या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस पर्सन इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए सो गेट रेडी चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं वर्गोज़ uh, आपकी लव लाइफ़ कैसी रहेगी वर्क भी देखेंगे करियर भी देखेंगे वर्गोज़ देअर लव लाइफ और नवम्बर मुझे तो लग रहा है ये मंथ आपका पार्टनरशिप बेस्ड है चाहे वर्क में बोलें आप चाहे लव में बोलें जो भी रुके हुए रस्ते हैं ना फ्रेंड्स अभी बहुत रुकावटें चल रही हैं वर्गोज आपकी लाइफ में चाहे लव हो चाहे वर्क हो सब हटने वाली हैं नवम्बर में और आपको सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा एक बहुत सुंदर पार्टनरशिप भी मिलेगी और कोई विक्ट्री भी मिलेगी लव में और वर्क में वर्गोज देअर लव लाइफ ये मेरी रिंग्स बहुत यहाँ पे इनमें वो है ग्रूफ जो कि वाओ इट्स ऑफ कप्स वर्गोज कंग्रेचुलेज नोव फॉर वर्गोज देयर लव लाइफ टावर माई गॉड फ्रेंड्स अचानक से आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे बदलाव आने वाले ओ माय गॉड बहुत सारे कार्ड्स आपके आए हैं एट ऑफ कप्स थ्री ऑफ वान्स एंड द किंग ऑफ स्व ये एक ही साथ रख रही हूँ बिकॉज ये आए थे देर इज अ कार्ड दाउट सो जो कार्ड ड्रॉप आउट हुआ है वो टेन ऑफ कप्स था जो मैंने वापस रख लिया टेबल पे एंड लेट्स वोवेंबर लव लाइफ फॉर Pentacles. किंग ऑफ Pentacles. <laughs> द एम फिर होम आई गॉट द किंग ऑफ़ वॉन्स एंड द स्टार फ्रेंड्स बहुत ही आपकी इंटरेस्टिंग लव लाइफ होने वाली है मुझे तो लग रहा है आप बहुत बिजी होने वाले हैं स्पेशली लव को ले कर क्योंकि आई डू सी आपका मंथ ऑफ नवंबर स्टार्ट होगा बहुत सारे सेल्फ लव के साथ बहुत सारा खुद के लिए प्यार के साथ एंड आई डू फील आपसे कोई बहुत मोहब्बत करता है वर्गोस एंड वो पर्सन आपको प्रपोज करने वाले या आप दोनों एक दूसरे को करने वाले ओ एम जी येस yes, फ्रेंड्स और आपको टू ऑफ कप्स भी मिला है कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल हो रहा है वर्गोस और नो no वंडर मैं कभी इतनी जल्दी आज क्या है आई थिंक इट इज़ 11 टूडे इलेवन uh, और मैंने ये टेन है ये रीडिंग नो एलेवन टेन है अभी इलेवन uh, टेन आज डेट है और इलेवन टेन ही वॉच पे हुआ है और आप देख सकते हो कि ये इलेवन एलेवन की पूरी एनर्जी बहुत कुछ यहाँ सिग्निफिकेंट हो रहा है आपके इसीलिए मैंने इतनी जल्दी करी है सो आप मुझे अगर uh, अच्छी लगे तो ज़रूर सपोर्ट करें और uh, सब्सक्राइब करें सो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ वर्गोज़ नवंबर में आपके लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं प्यार मोहब्बत का कन्फेशन होगा कोई पर्सन है जो आपकी तरफ मूव करेंगे आपको प्रपोज करेंगे या आप उन्हें करेंगे आई डू फील आपका इस पर्सन से अचानक ही ये लव प्रपोजल आएगा आपकी तरफ ये का या uh, आप इनको जानते हैं दिस इज़ फ्रॉम योर दिस पर्सन इज़ फ्रॉम योर पास्ट तो ये वापस से अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे वर्गोज़ एंड इट मे सरप्राइज यू और ये जो प्यार मोहब्बत है वापस शुरू हुआ क्योंकि मुझे लग रहा है अभी आप नो no कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं कुछ अलग चल रहा है आप लोगों की लाइफ में ऐसे आप दोनों कहीं अलग तरह से बिजी हैं सो यू आर नॉट इन कांटेक्ट बट इन नवंबर आई सी लव हैपनिंग दे कन्फेसिंग वो अपना प्यार मोहब्बत कन्फेस करेंगे आपकी तरफ अचानक से प्रपोजल लेके आएंगे आई डू फ़ील काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में वर्गोज रिगार्डिंग लव आपका जो सोचने का तरीका है वो चेंज होगा आप uh, जिस तरीके से इस पर्सन के बारे में सोचते हैं वो चेंज होगा ये पर्सन भी चेंज हो रहे हैं सो so, काफ़ी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं आपकी लव लाइफ में आई डू फील कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज भी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ लाइफ में आई थी कह पर्सन जो है आपसे वॉक अवे करके गए थे एक वन पॉइंट ऑफ टाइम वर्गोज दे हैव लेफ्ट यू एंड वापस आपसे दूर चले गए थे एंड ये पर्सन एक्वेरियस लीब्रा जेमिना या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हो सकते हैं बट ये वापस आना चाहते हैं फ्रेंड्स दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक एंड दे विल मेक अ मूव आपकी तरफ आएंगे Uh, बातें करेंगे एक्सपेंशन लाने की कोशिश करेंगे इस रिश्ते के अंदर और मुझे लग रहा है मिड ऑफ नवंबर में आप डेफिनेटली वापस से एक इनके साथ हैप्पी री में होंगे हैप्पी रिलेशनशिप में होंगे और आप भूलिएगा नहीं सेजिटेरियस और स्कॉर्पियोज़ का बर्थडे है इन द मंथ ऑफ नवंबर आल्सो तीन प्लैनेट्स हमारे डायरेक्ट मूव करने वाले जो कि हमें बहुत रिलीफ मिलेगा यू you नो know, जो अभी कन्फ्यूजनज और ये एक अजीब सी टेंशन हो रही है ना मरकरी रेट्रोग्रेड से और नेपट्ट्यून भी रेट्रोग्रेड में है मार्स भी रेट्रोग्रेड में है, तो एक अजीब सा हमको फीलिंग है जैसे हम लोग दबा दिए गए हैं सप्रेशन की फीलिंग है बट आपको वो सब रिलीज़ हो जाएगा इन नवंबर क्योंकि तीनों प्लैनेट्स फॉरवर्ड मूव करेंगे और मिड ऑफ द मंथ आपको एक रियूनियन मिलेगा आपको एक हैप्पी हैप्पीनेस मिलेगी आपको अल्टीमेट सोर्स ऑफ लव एक स्पिरिचुअल यूनियन मिलेगा आपको क्लैरिटी भी मिलेगी कम्युनिकेशंस वापस ओपन हो जाएंगे इस पर्सन के साथ क्लैरिटी मिलेगी आप लोग वापस से मिलेंगे बैठेंगे आई सी यू गोइंग आउट फॉर डेट्स आई ऑल्सो फील वर्गोज हो सकता है Uh, आप जो है इस पर्सन को कुछ ऑफर करेंगे या आप इस पर्सन को कुछ बताएंगे अपने बारे में या कुछ आई डू सी यू गेटिंग मेच्योर इन दिस रिलेशनशिप और आप इस पर्सन के साथ यू you नो know, एक ये पर्सन आपको रेस्पेक्ट करेंगे जो पहले ये नहीं समझ पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे दिस पर्सन विल रियलाइज़ उनकी गलतियाँ और uh, आप दोनों यू नो यू विल अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट ईच अदर शायद आप दोनों सोलमेट्स हैं शायद आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं ये क्लैरिटी उन्हें भी आ जाएगी और आपको भी एंड लुक एट दैट द किंग ऑफ पेंटिकल्स आप मेच्योर हो रहे वर्गोस यू आर गोइंग थ्रू अ मैसिव चेंज फ्रॉम अ पेज आप लोग टर्न होके किंग की तरह इस पर्सन के सामने आएंगे एंड दे आर गोइंग टू बी वाव एंड डेफिनेटली uh, आप लोगों में बहुत ज़्यादा ऐट द एंड ऑफ द मंथ सेक्शुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा रहेंगे केमिस्ट्री इस कनेक्शन में पैशन्स बहुत ज़्यादा रहेंगे आई ऑल्सो फील कि आप दोनों ही बहुत एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करेंगे इस कनेक्शन में एट द एंड ऑफ द मंथ आप दोनों ही थोड़े थोड़े ज़िद्दी हैं फ्रेंड्स बट आई थिंक आप लोगों की जो सेक्शुअल केमिस्ट्री इमोशनल कनेक्शन है वो बहुत हाई रहेगा ऐट द एंड ऑफ द मंथ और कुछ uh, आप लोग जो है बहुत गिफ्टेड महसूस करते हैं इस कनेक्शन के साथ और अगर ये न्यू कनेक्शन भी है यू विल फील लाइक इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू रिलेशनशिप फॉर यू आपका जो टेलीपैथिक यूनियन रहेगी यहाँ पे आपको सेक्सुअल केमिस्ट्री है इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी है सो इट इज़ एन अमेजिंग रिलेशनशिप इन नोवम्बर फ्रेंड्स कंग्रेचुलेशन बहुत मुझे लग रहा है टावर डेथ और पता नहीं क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपने ये अचीव करा है सो तो मुझे तो आपको मुबारक देनी है पहले तो कन्ग्रेचुलेशन देनी है चलिए आपके एडवाइस देख लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ी ज़रूरी है आपकी लव लाइफ़ तो काफ़ी ग्रेट है पर एडवाइस भी देख लेते हैं आपकी लव लाइफ़ के लिए फिर वर्क और करियर देखेंगे ये देखिए एम्ब्रेस समथिंग इज गोइंग टू हैपन वर्गोज कुछ होने वाला है आपकी लव लाइफ में आपकी लव लाइफ एक्सपेंड होगी अगर आप सिंगल हैं तो चांस ऑफ बेबी बर्थ हो सकता है चांस ऑफ अ मैरिज हो सकता है चांस ऑफ दिस टू ऑफ कप्स हो सकता है येस yes, री <coughs> ये देखिए मैनिफेस्ट समवन इज़ ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू नंबर वन फ्रेंड्स डेफिनेटली मेड्रिशियन ओ माय गॉड फ्रेंड्स आप दोनों एक दूसरे को आप दोनों बहुत पावरफुल हैं पहली तो चीज़ आप जो अगर आप सिंगल हैं तो भी आप बहुत पावरफुल पार्टनर्स अट्रैक्ट करेंगे नवंबर में एंड आई सी अ स्पिरिचुअल यूनियन अ स्पिरिचुअल री यूनियन ओ माय गॉड फ्रेंड्स बहुत ही मैजिकल टाइम है आपके लिए नवंबर व्हाट इज़ द एडवाइस गॉड ट्रस्ट ट्रस्ट फ्रेंड्स दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू ट्रस्ट हो सकता है थोड़े चेंजेस आएँ स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर में लेकिन वो सब जो है आपको अल्टीमेटली यूनियन की तरफ ले जा रहे हैं बैलेंस आपके डेफिनेटली ट्विन फ्लेम है ये और आप दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ मर्ज कर पाएंगे आप दोनों की जो रिलेशनशिप है बेहतर होगी इनफैक्ट मुझे लग रहा है आपकी सारी ही रिलेशनशिप्स वर्गोज अपलिफ्ट होने वाली हैं कन्ग्रेचुलेशन चलो वर्क और करियर देखते हैं अब आपका फॉर द मंथ ऑफ नवेंबर देयर वर्क देअर करियर वर्गोज काफी सारे कार्ड आ रहे हैं फ्रेंड्स आई विल टेक ओनली वन जो की है बिकॉज आई वॉन्ट टू शफल दम वाओ देंग मैन द किंग ऑफ कप्स आके ही रहेंगे आपके कार्ड जस्टिस वाओ थ्री टू ऑफ वस एंड नाइट ऑफ कब्स व आई डों फील के अभी जो है आपका करियर में ना काफ़ी सारा वेट चल रहा है कि यू नो यू आर लिटिल कन्फ्यूज चल रही है आपकी करियर लेकिन आपको कुछ उसमें थोड़ा वेट है और कुछ क्लैरिटी की कमी भी महसूस हो रही है किसी चीज़ का आप लोग वेट कर रहे हैं न्यूज़ है मैसेज है Uh, या न्यू जॉब का या जॉब आपका इंटरव्यू कॉल आएगा क्लियर होगा कि नहीं जॉब मिलेगा या नहीं या वो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं आई थिंक फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट बहुत अच्छा जाएगा आपके एक्सपेक्टेशन से तो बेहतर ही जाएगा आई ऑल्सो फील के कुछ uh, कोई uh, आप आपको किसी से हेल्प भी मिलेगी इस मंथ रिगार्डिंग योर जॉब एंड करियर सम वन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट हो सकता है कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज यंग पर्सन है जो आपको हेल्प करेंगे या तो जॉब ऑफर करेंगे या आपको गाइड कर सकते हैं गहरे मिल के अपन ये कर सकते हैं या आप ये कर लो समन इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर जॉब और आई थिंक आपको वो हेल्प एक्सेप्ट करनी चाहिए बिकॉज मुझे लग रहा है आप मना कर सकते हैं वर्गोज आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स आपको इस मंथ आपको मेचोरिटी से काम में लेना होगा अपने वर्क करियर में और मनी uh, को लेके स्पेशली आपको बैलेंस्ड रहना पड़ेगा आप ज़्यादा खर्चा ना करें वो बेहतर है आई ऑल्सो फील आप लोग बैलेंस्ड रहिए यू नो आप लोग अपने वर्क और करियर को लेके उसके साथ यू नो स्मूथ स्विंग्स वगैरह में ना रहें आप जितना बैलेंस्ड रहेंगे उतना अच्छा आपका वर्क और करियर रहेगा आई ऑल्सो फील आप लोग किसी ऐसे वर्क पे काम करेंगे नवंबर जो आपके दिल के बहुत करीब है लाइक मे बी कोई एक ऐसा काम करेंगे या तो आप स्टार्ट कर चुके हैं या करेंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर जो आपके दिल के बहुत करीब है यू नो इट इज़ योर पैशन इट इज़ योर गिफ्ट इट इज़ योर जैसे सिंगिंग है एक्टिंग है म्यूज़िक है कुछ भी या आपका uh, आप इंजीनियर हैं आप डॉक्टर हैं आप वो काम करेंगे और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी जो जिसमें आप पैशनेट हैं आपको एक चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है वर्गोज़ इन नवंबर और वो है कि थोड़ा सब्र से काम में लें सब्र से काम करें अपने करियर में वर्क में और एजुकेशन में और न्यू थॉट्स लाएं क्यों क्योंकि मर्करी इज़ इन रेट्रोग्रेड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर आल्सो स्टार्टिंग यू नो लाइक थर्टीन फोर्टीन तक वो रेट्रोग्रेड में है फिर मार्स भी है तो अगर आप ज़्यादा एग्रेशन शो करेंगे वर्गोज़ इट विल गो अगेंस्ट यू अगर आप ठंडे दिमाग से कोई इनोवेटिव सोल्यूशन लेके काम करेंगे अपने इनोवेटिव अप्रोच लगाएंगे या कोई अलग तरह से अप्रोच लगाएंगे अपने काम में प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो वो बेहतर वर्क करेगी अगर आप यू you नो know, जैसे हमेशा रिएक्ट करते हैं वैसे करेंगे तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं बट आई डोट फील इट इज़ एन ओवरऑल बैलेंस्ड मंथ फॉर यू वर्क वाइज और जो रुके हुए काम हैं वो आपके हो जाएंगे कोई आपका वीज़ाज़ इशू है कोई आपके, आपके आ, यू नो सर्टिफिकेशन इश्यूज हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं या आपका कोई बिजनेस स्टैंडर्ड क्लियर नहीं हो रहा है आपका कोई बिजनेस डील नहीं निकल रहा है अगर आपको ऐसा लग रहा है लाइफ आपकी टेस्ट ले रही है तो आपका वो रिवॉर्ड भी नवंबर में मिलेगा फ्रेंड्स यस बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक तो आपको नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए नवंबर जो ऑफर्स आ रहे हैं वो एक्सेप्ट करने चाहिए हेल्थ के और दूसरी चीज़ अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए या आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अकेले उसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें वर्गोज़ टेक एंड आस्क फॉर हेल्प और सपोर्ट क्योंकि मुझे लग रहा है आप अकेले ही सब कुछ करना चाहेंगे जो कि आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता देखिए टू ऑफ स्वाट्स कुछ कन्फ्यूजनस हैं अगर आप किसी से बात करेंगे अपने साथ में या सीनियर से जूनियर से तो आपको हेल्प मिलेगी तो जो कन्फ्यूजन्स आपके मन में वो क्लियर आउट हो जाएंगे और थोड़ा पेशेंस के साथ काम में लीजिए और, और मेच्योरली डील कीजिए इस मंथ को मुझे तो अच्छा मंथ लग रहा है वर्कवाइज आपका ज्यादा कुछ इश्यूज नहीं है चलिए लेट्स सी योर एडवाइस वर्गोज वाओ क्लैरिटी ऑफ बिलीफ एस ऑफ वॉज डेफ़िनेटली आपको वर्क को लेके क्लैरिटी या ब्रेक थ्रूज मिलेंगे कुछ कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं आपको वर्क करियर में लेके कि क्या करें क्या नहीं करें ऑल्सो सेवन ऑफ स्वाज है आपको आधा मन करता है ये कर लें आपका आधा मन कहता है वो कर लें तो आप ऐसा लग रहा है जैसे दो नावों पर रखे ना चल रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा किस नाव पर कदम बढ़ाना है तो आई थिंक ये क्लैरिटी या ये कन्फ्यूजनस आपके नवंबर क्लियर कर देगा फ्रेंड्स uh, कुछ कन्फ्यूजन आपको इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड है मार्स भी रेट्रोग्रेड में नेपच्यून भी रेट्रो ड में है। जो नैप्टून तो फ्रेंड्स अगर आप कन्फ्यूजन में और नैप्टून रेट्रोग्रेड में है तो मान लीजिए कि आपका कन्फ्यूजन सौ गुना ज़्यादा होगा क्योंकि नैपटीन हमारे राजा हैं कन्फ्यूजन्स के और एक तरीके से वो खेलते हैं कन्फ्यूजनस के साथ और अगर नेपट्ट्यून से बड़े कोई राजा हैं कन्फ्यूजन के तो वो हैं कायरॉन कायरॉन थैंकफुली अभी अच्छे एस्पेक्ट्स में हैं रिफ्यूजिंग टू सी आई थिंक आप नवंबर में थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं तो ये जिद ना करें यू नो ज़िद छोड़ें और आपको मदद चाहिए आज करें बैलेंस रहिए मदद चाहिए आज कर लो पूछ लो शेयर करते रहो मुझे लग रहा है आप जिद में रह सकते हैं कि नहीं हमें किसी से हेल्प नहीं लेनी हम अकेले कर लेंगे यू you नो know, होता है uh, तो डोंट डू दैट रीबिल्ड की एनर्जी है नंबर सिक्सटीन येस आप अपनी लाइफ को बहुत मेजरली रीबिल्ड करने वाले हैं या आपकी लाइफ रीबिल्ड होगी वर्गोज़ इन द मंथ ऑफ नवंबर सीख नंबर नाइन आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर सो कंग्रेचुलेशन चलो एक्स्ट्रा मैसेज देखते हैं फ्रेंड्स फॉर नवम्बर फॉर वर्गोज़ ये तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बिकॉज़ काफ़ी मुझे चिंता थी कि नवंबर आपका कैसा रहेगा मुझे भी चिंता रहती है फ्रेंड्स आप लोगों की बल्कि मुझे आपकी ज़्यादा चिंता रहती है और देखो नवंबर का कार्ड आया एक और कार्ड वेंट डाउन लेट मी जस्ट पिक दैट अप फ्रेंड्स मैंने जो नीचे गए थे कार्ड्स वो भी उठा लिए लेट्स सी यंगर वुमेन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन कोई यंग वुमेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है आर्क वे न्यू पाथवे न्यू पॉसिबिलिटीज आर ओपनिंग फॉर यू कैटरपिलर चेंजेस थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी द सेम चेंजेस कमिंग कांग्रेचुलेशंस इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे आपके लिए इस मंथ रोस्टर एंड एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस या मुझे लग रहा है थोड़े से आप भी एरोगेंट हो, हो सकते हैं जिद्दी हो सकते हैं डिसपॉइंटमेंट इन सम अफेयर सी हॉर्स फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर फ्रेंड्स इस मंथ स्टॉर्क न्यूज और बर्थ ऑफ अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी सी या तो कोई चाइल्ड बर्थ हो सकता है या कोई रिलेशनशिप का बर्थ हो सकता है या आपके लिए जो कोई बिजनेस या जॉब अपॉर्चुनिटी भी आएगी इन दिस मंथ ऑफ नवंबर हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू आई थिंक फ्रेंड्स आपको जो है ट्रुथ पे फोकस करना चाहिए इस मंथ चाहे आपके इंटरनल हो uh, सच्चाई या बाहर यू नो कि आपको क्या चाहिए यू शुड शेयर इट बिकॉज आप मन में कोई बात रखेंगे ना तो वो आपको बाद में तकलीफ़ दे जाएगी नवम्बर में कोई मन में डाउट है तो वो बाद में तकलीफ़ दे सकता है गेट बैक टू द बेसिक्स क्वेल लाइट ने कंट्रोल योर एंगर और इट विल हार्म यू या थोड़ा गुस्सा आ सकता है आपको फ्रस्ट्रेशन पे कि सक्सेसफुल आउटकम्स टू योर प्रॉब्लम्स आपको सोल्यूशंस मिलेंगे फ्रेंड्स जो सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं वो मिलेंगे टाइगर डूइंग समथिंग रिस्की टेकिंग अ रिस्क आई थिंक आपको चांस लेना चाहिए हेल्प मांगने में या आपको शर्माना नहीं चाहिए अगर आपको कन्फ्यूजन है तो गो एंड आज समबडी देअर आपको काफ़ी लोग हेल्प कर देंगे सन हैप्पीनेस एंड वेल बींग सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ न्यू वेंचर्स एंड अ फ्रेश स्टार्ट सन से मुझे लग रहा है आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी वर्गोज़ Uh, अगर आप डिप्रेशन वगैरह से गुजर रहे हैं या आप किसी नेगेटिव uh, uh, या साइड इफ़ेक्ट्स या हेल्थ इश्यूज मेंटल इमोशनल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी कॉन्ग्रेज लिली स्पिरिचुअल लव यस फ्रेंड्स स्पिरिचुअल यूनियन इज़ कमिंग फ्रेंड्स बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है ये कोई डेस्टाइंड आपके लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो आपको मिलेगा फ्रेंड्स कॉन्ग्रैचुलेशन एंड लुक एट दैट नवेंबर इज इम्पॉर्टेंट हो वाई गॉड और नवंबर की ही रीडिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स <laughs> पे अटेंशन टू योर फाइनेंसिस आई डो फील फ्रेंड्स आपके फाइनेंस में थोड़ा आपको स्टेबल रहना चाहिए ज़्यादा खर्चे ना करें नॉट बिकॉज मनी नहीं आ रहा है बट बिकॉज ये मंथ ऐसा है कि आपको थोड़ा बैलेंस रह कर काम करना चाहिए स्पेशली वर्क और फाइनेंसिस में और बाकी आपका पूरा महीना बहुत अच्छा है मैजिक वेंस टेरो की तरफ से तो आपको ढेर सारी खुशियाँ हैं और ढेर सारी यू नो हैपीनेस है मेरी तरफ से हमेशा ब्लेसिंगस हैं सो जल्दी जल्दी मैजिक वेंस टेरो हिंदी को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो इंस्टाग्राम पे जो इन कर लो मैजिक वेंस टेरू के नाम से अभी के लिए बाय